कहानी तब शुरू हुई, मैं 11 साल का था। हमारे घर में बड़ा कलेश रहता था, सामान्य से बहुत ज़्यादा। पर सौभाग्यवश हमारे पास एक कंप्यूटर था, तो मैं अपने कमरे में अपना ज़्यादा समय जो है कंप्यूटर के साथ ही व्यतीत करता था और मुझे प्रोग्रामिंग का शौक हो गया। बाद में यही शौक पेशे में तब्दील हो गया और कॉलेज के साथ साथ मैंने फ्रीलांस काम करने शुरू कर दिए। तो मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह ले लेता था तो मेरी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बन जाती थी। मैं 21 का था तब मैं कुछ क्लाइंट्स को ईमेल लिख रहा था कि भाई ये मेरे नए प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास इससे रिलेटेड कुछ काम है तो आप मुझे बताइए। काम अक्सर मैं ढूंढता रहता था। तो मेरे एक क्लाइंट हुआ करते थे brint.com पे, वहां पे मैंने टी की जगह गलती से के लिख दिया। तो ये ईमेल पहुंची डैनी को। डैनी एक फिल्म मेकर है जो एरिजोना में रहता था। तो ये केविन स्पेसी की वेबसाइट बना रहा था और उसको मेरा काम अच्छा लगा, तो उसने कहा कि देखिए मैं आपको जानता नहीं, मुझे नहीं पता आप किसको ढूंढ रहे हैं, पर मेरे पास ये फला फला काम है, आप ये करेंगे तो मैं आपको इतने डॉलर घंटे के दे दूंगा। तो अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैंने कहा कि जी बिल्कुल, इतने पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख के कर दूंगा। तो वहां से डैनी और हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई। तो 2 साल हमने इकट्ठे काम किया। 2003 तक वो बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस की वजह से पक गया था। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा वीजा लगवा देता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। मैंने तो कभी अमेरिका जाने की सोची नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह होते हैं जो सोचते हैं। मैं तो आम ग्रेजुएट था, मुझे तो कुछ था, मुझे ये था कि भाई मेरे को अपना आज़ादी हो। आज़ादी मुझे बहुत पसंद थी कि भाई मैं किताबें पढ़ पाऊँ, थोड़ा कुत्ते वगैरह जो थे घर के नीचे उन्हें खाना वाना डाल पाऊँ, थोड़ा दोस्तों यारों के साथ घूमें और बस। पर मौका मिला तो हमने कहा कि ठीक है अमेरिका चलते हैं, क्यों नहीं, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम 2003 में अमेरिका पहुंच गए। वहां पहुंचे तो जो सबसे बड़ा फर्क था कि भारत में तो मैं आजाद था, मैं चाहे काम करने से मैं नहीं घबराता था, पर यह था ना कि अपनी शर्तों पे काम करता था। चाहे 2 नाइट लगा ली फिर उसके बाद 2 दिन काम नहीं किया, पर वहां अब रोज 8 घंटे की नौकरी थी। तो मैंने डैनी से भी ये शेयर किया कि डैनी मुझे तो नौकरी करने की आदत नहीं है। उसने कहा भाई थोड़ा टाइम तुम ट्राई करो। हम लोग एक सॉफ्टवेयर बेचा करते थे और हमने कह रखा था कि भाई एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस के लिए कि हम आपको 6 घंटे में डिलीवर कर देंगे। तो मैं इससे उकता गया, तो मैंने एक और सॉफ्टवेयर लिखा कि जिससे जो सारा जो प्रोसेस है कि पेमेंट आनी सॉफ्टवेयर का जाना, ये ऑटोमेट हो जाए। तो ये होते होते ये चीज़ एक अपनी कंपनी में तब्दील हो गई। तो मैं जब लगभग 30 का था तो ये कंपनी उस मुकाम पे पहुंच गई जहां मुझे इसको बहुत कम टाइम देना पड़ता था और जो मेरा गोल था कि मेरा रहने का खाने का खर्चा चल जाए और मुझे अपने दिन के 8 घंटे बेचने ना पड़े। तो मैं उस मुकाम तक पहुंच गया। मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था, मैं एक अच्छे नेबरहुड में हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ हमने घर ले लिया। वहाँ से सुबह निकलता मैं एक कैफ़े में जाता, थोड़ा टाइम लाइब्रेरी स्पेंड करता, किसी अच्छी जगह लंच करते, घर आता, थोड़ा टीवी देखा, एक्सबॉक्स खेला, घूमने चले गए कहीं, थाई रेस्टोरेंट खाने चले गए, सो गए, अगले दिन रिपीट। तो मज़े तो बहुत आ रहे थे पर मैं खुश नहीं था। तो मैंने कहा यार अब करें तो क्या करें। थोड़ा मैंने आसपास वालों को देखा तो देखा भाई लोग क्या है, अपने आप को गोल देते हैं। अब कई लोग तो जो है वो उस गोल तक पहुँच नहीं पाते, वो एक ट्रेडमिल में फंसे रह जाते हैं, जिसे आप रैट रेस कहते हैं, उसमें फंसे रह जाते हैं और इसमें उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कई लोग होते हैं सौभाग्यशाली होते हैं, भगवान की कृपा से अपने दिए हुए गोल पे पहुंच जाते हैं। अब जब वो उस गोल पे पहुंच जाते हैं तो मैंने देखा कि वो अपने आप को फिर एक उस गोल पोस्ट को आगे कर देते हैं, वो एक और बड़ा गोल देते हैं अपने आप को कि बेटर घर, बेटर शहर, बेटर गाड़ी, बड़ा बिजनेस। तो मैंने कहा अरे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक नहीं है, अब मैं अपने आप को एक नया गोल दे देता हूँ तो या तो मैं एक ट्रेडमिल में फंस जाऊँगा या मैं जब उस गोल तक पहुंच जाऊंगा फिर मेरे को अपने आप को नया गोल देना पड़ेगा। तो क्या यही जिंदगी का अर्थ है? तो कह लीजिए जिसे एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है वो मेरी जिंदगी में आ गया। तो लाइब्रेरी तो मैं जाता ही था, तो मैथ साइंस की जगह कुछ मैंने फिलॉसफी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया, साथ ही साथ जो अपने विचार थे वो लिखने शुरू किए कि कुछ क्लैरिटी आए, क्योंकि दिमाग में सब कुछ गड़मड़ हो जाता है। जैसे अलमारी साफ़ करनी हो तो सारे कपड़े आप पहले बाहर निकालते हैं फिर करीने से अंदर रखते हैं ना, तो मैं जिसे ब्रेन डंप कहता था, मैं अपने सारे जो विचार हैं वो डायरी में लिख लेता था। तो वहाँ से मुझे एक थोड़ी एक छवि सी उभरती हुई दिखाई दी कि यार ये जो भी मैं मज़े कर रहा हूँ उसमें मेरे को खुशी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इस मज़ों की कीमत जो है कोई और चुका रहा है। अब आप देखिए जैसे कोई भी चीज़ है, एक पेंसिल ही ले लेते हैं, तो जैसे एक पेंसिल है, पेंसिल में लकड़ी लगी है, ठीक है, उसके अंदर सिक्का डला है, उसके ऊपर
थोड़ा सा मेटल की एक चूड़ी सी चढ़ी रहती है, उसमें एक रबड़ लगा रहता है। अब ये देखिए, रबड़ किसी ने उगाया होगा या किसी फैक्ट्री में बना होगा, लकड़ी के लिए पेड़ कटे होंगे, लेड के लिए कहीं माइनिंग हुई होगी, उसके जो पेंसिल के ऊपर पीले रंग का पेंट रहता है वो किसी केमिकल फैक्ट्री में बना होगा, और इस सबको साथ लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुई होगी। ट्रांसपोर्टेशन तेल यूज़ करती है, तेल के लिए प्रदूषण होता है। तो ये तो मैं सिर्फ एक पेंसिल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि एक तरफ तो हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम अपने आप को सोचते हैं कि भाई आई एम अ गुड पर्सन, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, डू नो हार्म, और यहाँ पे हर कदम पे जस्ट एक आम ग्राहक होते हुए मैं इतना नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो सही नहीं है। तो मैं वीगन तो हो ही चुका था, मतलब मैं दूध नहीं पीता था, अंडा नहीं खाता था, मीट नहीं खाता था। अब मैंने क्या किया, जो मैंने कपड़े वगैरह खरीदने थे तो वो भी पुराने लेने शुरू कर दिए। भाई जितना ज़रूरत है, अमेरिका में एक थ्रिफ्ट स्टोर करके होता है, वहाँ पुराने कपड़े मिलते हैं, पुराना सामान मिलता है। तो मैंने किताबें पुरानी खरीदनी शुरू कर दी, फर्नीचर पुराना खरीदना शुरू कर दिया, कपड़े पुराने शुरू कर दिए खरीदने, और जो जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। शराब पीनी बंद कर दी, सिगरेट पीनी बंद कर दी। तो अब ये छोड़ते छोड़ते एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जहाँ पे मुझे लगा कि भाई कि ठीक है, तुमने अपनी जो कंजम्पशन है वो कम कर दी, पर जो तुम जी रहे हो उसका भी तो एक सफरिंग फुटप्रिंट है। सफरिंग फुटप्रिंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ चावल खा के जीता हूँ, अब ये जो चावल हैं ये जहाँ उगेंगे, पहले कभी जंगल रहा होगा ना, जहाँ खेत है आज, तो जंगल कटेगा, वहाँ से पशु पक्षी बेघर होंगे, फिर उस जगह को पानी से भर दिया जाएगा, तो अब उसमें जो जमीन में चूहे रहते हैं, सांप रहते हैं, वो बेघर हो जाएंगे। फिर उसमें हल चलेगा, तो उसमें जो केचुए हैं, घोंगे हैं, वो पिस जाएंगे, हल चलाएगा इसमें। अब हल चलाना कोई आसान काम नहीं है ना, काफ़ी बूढ़े बैल तो हल चलाने वाले सीजन में ख़त्म हो जाते हैं, मतलब 6 इंच 12 इंच आपका हल नीचे गया हुआ है और कीचड़ में उसको खींचना है, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा यार मेरे सिर्फ जीने के लिए भी किसी और को इतना कष्ट हो रहा है, सांप को, केचुओं को, बैल को, फिर उसके बाद फिर वही चावल अब मेरे तक पहुंचने के लिए फिर फैक्ट्रियों का सिलसिला, क्योंकि पैकेजिंग होगी, उसके लिए ट्रक चाहिए, ट्रकों के लिए सड़कें चाहिए, तेल चाहिए, इतना प्रदूषण। तो मैंने कहा यार मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं डिप्रेस नहीं था, पर ये जस्ट मेरी एक जो विचार थे वो यहाँ पे आगे कंक्लूड हो रहे थे कि भाई सब कुछ मेरे पास है, खुश मैं हूँ नहीं, और अगर खुशी कंजम्पशन से मिलती है और कंजम्पशन से इतनी सफरिंग होती है तो वाई वेट, आज आत्महत्या कर लो। अब देखिए हर किसी को अपने जीवन से लगाव होता है, चाहे जो मेरी लीनियर थॉट प्रोसेस है आत्महत्या की ओर इंडिकेट कर रही थी, मैं मरना चाहता नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा फुल एंड फाइनल स्टेप रहेगा। फिर मैंने कहा कि यार मैं अगर आत्महत्या कर लेता हूँ तो दुनिया में 7 बिलियन और कंज्यूमर हैं, फैक्ट्रियां जीवों की त्यों चलेंगी, सब कुछ ऐसे का ऐसा चलेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपने जीवन की दिशा बदल देता हूं, अगर मैं अपनी लाइफ को रीपर्पज कर लेता हूं, तो ये जो संसार में इतनी सफरिंग हो रही है, एक तो कुछ सफरिंग नेचर में ही रहती है ना, और कुछ सफरिंग इंसान ने ऊपर से जोड़ दी, तो अगर मैं इसके अगेंस्ट काम करूँ, सफरिंग कम करने के लिए काम करूँ, तो मेरे जीवन का एक तात्पर्य रहेगा। तो मैंने कहा हाँ, इस हिसाब से तो जीना और लाइफ को रीपर्पज कर देना, सर्विस को डेडिकेट कर देना एक बेहतर प्रपोजल है, मुकाबले की हम आत्महत्या कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा काम करना है। अब बात ये आई कि भाई अच्छा काम, इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि देखिए कई लोग कहेंगे कि आप किसी गांव में चले जाइए, वहाँ पर आर्थिक विकास कीजिए, ये एक अच्छी चीज़ है। पर मैंने कहा कि मान लेते हैं मैं किसी गाँव जाता हूँ, उसका आर्थिक विकास करते हैं, और मान लेते हैं आर्थिक विकास में मुझे इतनी कामयाबी मिल जाती है कि मैं उस गांव को न्यूयॉर्क सिटी में तब्दील कर देता हूं, तो क्या मैंने अच्छा काम किया होगा? दुनिया में एक और न्यूयॉर्क सिटी है, क्या ये असल में एक अच्छी चीज़ है? तो मैंने कहा यार इस अच्छे को ना डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में क्या है कि आपके पास एक बड़ी परिभाषा होती है सटीक, कि ये जो फैसला है इससे आपके इतने पैसे आएंगे, और ये जो फैसला है इससे इतने आएंगे, तो ये फैसला ज़्यादा सही है। तो मैंने कहा कि यार हमें कोई पैमाना ढूंढना पड़ेगा जो एकदम यूनिवर्सल हो, दुनिया में सब पे अप्लाई करता हो। तो वो मुझे पैमाना मिला कि अच्छाई का तो नहीं, बुराई का मिल गया, कि जो एक फिजिकल पेन है, जो शारीरिक दर्द है,
इससे हर कोई पीछे हटता है। अब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अमरीकी हो या हिंदुस्तानी, आदमी हो, औरत हो, गाय हो या कुत्ता हो, केचुआ हो, इंसान हो, हर कोई दर्द हो, पिंच भाव, तो ऐसे हाथ हटा लेगा, पीछे हो जाएगा। तो मैंने कहा यानी कि शारीरिक जो दर्द है ये एक क्लियर कट एब्सोल्यूटली बैड चीज़ है। तो यानी कि शारीरिक दर्द को हम ख़त्म करें तो ये एब्सोल्यूटली गुड है। तो मुझे अपनी परिभाषा मिल गई। अब ये जो मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, इसको लेके डॉक्टरी सलाह तो ये थी कि एंटी डिप्रेसेंट्स ले लो और इसको दबा दो। पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसे एम्ब्रेस किया और मैंने भारत का रुख किया। मैंने कहा कि भाई भारत में जब लोग हैं, जब वो सत्य की खोज में निकलते थे तो वो पहाड़ों की ओर चले जाते थे, मैं अमेरिका में हूँ तो मैं भारत की ओर तो चलूँ। तो मैं यहाँ आया। अब यहाँ मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था तो मुझे ध्यान आया कि जब मैं छोटा था तो मैं ऑरविल नामक एक शहर है उससे बड़ा प्रेरित था। मेरे पिताजी ने वहाँ काम किया था तो मैं वहाँ जाना चाहता था और मैं वहाँ कभी गया नहीं। तो मैंने कहा चलिए वहीं चलते हैं, शायद वहाँ पे मुझे कोई जवाब मिले। मैं इस समय 32 का था, 2012 अगस्त की बात है। तो मैं ऑरविल पहुँचा, वहाँ मैंने एक पोस्टर देखा, वो लॉरेन नामक एक लेडी के बारे में था। वो 60 साल से ऊपर थी, बहुत बीमार रहती थी और वो 40 से 60 कुत्तों की मदद कर रही थी। अब उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो जो रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ से झूठन इकट्ठी करती थी और उसको साफ करती थी कि भाई इसमें किसी ने प्लास्टिक का फोर्क तो नहीं डाल दिया, गलती से साबुन या कागज़ तो नहीं आ गया, और फिर ये कुत्तों को खिलाती थी। तो मैंने लॉरेन की मदद करनी शुरू की और लॉरेन ने मुझे प्रेरित किया। और मैं जो मेरा बचपन का एक सपना था कि मैं जानवरों की मदद करूं, अब मैं जब जानवर कहता था बचपन में मेरा मतलब था गली के कुत्ते, कि भाई मैं उनको खिलाऊं, उनकी मदद करूं। लॉरेन के साथ कुछ महीने काम करने के बाद मैं वापस दिल्ली आया। तो मैंने भी अब कुत्तों को खाना वगैरह खिलाना शुरू किया और किसी को अगर चोट लगी होती थी तो थोड़ा खुद ट्रीटमेंट किया या थोड़ा संजय गांधी करके हमारे घर के पास एक शेल्टर है वहाँ ले जाते थे। अब मुझे पता था कि भाई मैं एक एक की मदद कर रहा हूँ, कोई बड़ा महान काम नहीं कर रहा। मुझे पता था कि हर एक के पीछे दसियों लाखों ऐसे जानवर हैं जिनकी मदद नहीं हो रही, जो दड़बे में मुर्गियाँ बेचारी होती हैं, जो गाय कहीं छोटी रस्सी पे बंधी हैं। पर मैंने कहा कि भाई ये जो पहाड़ जैसी समस्या है जिस बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, उस बारे में मत सोचो, जो कर सकते हो उस पर फोकस रखो। तो वो मैंने रखा। अब इसी के साथ साथ एक चाहत थी, ये काम से रिलेटेड नहीं था, एक चाहत थी, एक रोमांटिक सपना कह लीजिए कि भाई शहर में नहीं रहना, शहर से बाहर रहना है। तो मैं ज़मीन भी खोज रहा था। तो वो जो ज़मीन की खोज थी, हमने घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे। एक दिन एक दिमाग में आइडिया आया कि यार हम यही करते रहें, हम रेस्क्यू करें, हम जानवरों की मदद करें, पर इस तरह करें अगर कि और लोग भी प्रेरित हों, और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं, तो ये ही चीज़ कितने बड़े स्केल पे की जा सकती है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ की दिशा से तो खुश था और बिल्कुल सेटिस्फाइड था, पर जो मेरा इम्पैक्ट था ना, जितना मैं डिफरेंस कर पा रहा था इन जिंदगियों में, उससे मैं पूरा सेटिस्फाइड नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके पीपल फार्म का आइडिया आया कि ठीक है हम घर बनाएंगे, शहर से बाहर बनाएंगे, पर उस घर का मकसद ये नहीं होगा कि हमारा मास्टर बेडरूम हो, स्विमिंग पूल हो, मीडिया रूम हो जिसमें खूब बड़ा टीवी लगा हो, मतलब हम एकदम फार्म हाउस में रहें, नहीं, हम उसमें स्विमिंग पूल की जगह काउ शेड बनाएंगे, हम मास्टर बेडरूम की जगह क्लिनिक रखेंगे, हम एक मीडिया रूम की जगह वॉलेंटियर्स के लिए कमरे बनाएंगे। तो यहाँ से पीपल फार्म की शुरुआत हुई। तो 2014 में दिसंबर 9 की बात है, हम यहाँ आए और हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की। तो पहले तो बिल्कुल एकदम जंगली सा था, यहाँ पे लोग कूड़ा वगैरह फेंकते थे, एक कॉर्न का, मक्की का एक पैच था जो अबैंडेंड सा था। हमने इस जगह को साफ करना शुरू किया, पहले बाउंड्री वॉल लगानी शुरू की। जब हम दिल्ली से आए तो हमारे साथ 4 कुत्ते थे, जब यहाँ पे पहुँचे 2 कुत्ते और रेस्क्यू कर लिए, एक खच्चर रेस्क्यू कर लिए, एक बैल रेस्क्यू कर लिया। अब कुछ भी हमारे पास था नहीं तो तिरपाल वगैरह लगा के हमने इनको रखने की जगह बनाई। हम खुद एक ऐसे कच्चे घर में रह रहे थे जहाँ पानी वगैरह भी बाल्टी से भर के लाना पड़ता था। तो इस तरह पीपल फार्म की शुरुआत हुई। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं 21 का था तो मैं खुश होने के लिए टीवी की ओर देखता था कि भाई टीवी पे जो ये लोग हैं ये बड़ा खुश दिखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पहन रहे हैं, ये सिगरेट कैसे पीते हैं, ये खाना क्या खाते हैं, ये दिखते कैसे हैं, और मैं उसको रूबरू कॉपी करने की कोशिश करता था। सिगरेट भी उसी स्टाइल से पीता था, उठता बैठता भी था उसी तरह से, वैसा ही दिखने की कोशिश भी करता था। बचपन से मुझे था कि मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे पता था डू नो हार्म, पर टीवी से प्रेरित होकर बहुत ज्यादा मैं कंजम्पशन के पीछे भागता था। टीवी ने मुझे यकीन दिला दिया था कि कंजम्पशन इज द वे टू हैप्पीनेस, ये तुम कंज्यूम करोगे तो ही तुम हैप्पी होगे।
और मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक खोखलापन होता है जिसको हम कंज्यूम 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 करके भरने की कोशिश करते हैं। तो अब खैर फिलहाल ये मेरा भ्रम तो टूट चुका था, और जब मैंने ये कंजम्पशन छोड़ के अपने से बड़ा एक मुद्दा चुना जीने के लिए, तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरा हाथ थाम लिया और उस हाथ की मदद से मैं उस खड्डे से बाहर निकला हूं। और कंज्यूम ना करना और अच्छे काम करना दोनों ही साथ साथ चलते हैं, बड़ा ही हैंड इन हैंड चलते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता कि आप कंजम्पशन के बारे में सोचे, तो वो खोखलापन रहता ही नहीं जिसे आप भरने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो चेंज है, ये जो बदलाव मेरी जिंदगी में आया, ये आसान नहीं था, क्योंकि होता क्या है, समाज के प्रेशर के चलते, टीवी के चलते, फैशन के चलते हमारा दिमाग प्रोग्राम सा हो जाता है। हम ये जो कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, प्लेजर है, मतलब जो सुविधाएं हैं और जो मजे करना की प्रवृत्ति है, इसको खुशी से जोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब ये चीज़ें हमें खुश करती नहीं हैं, पर हमें लगता है ऐसा कि ये चीज़ें हमें खुशी देती हैं। तो हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, बनिस्पत की वो जो चीज़ें अच्छी हैं। तो अब इसको रीप्रोग्राम करना आसान नहीं था, तो वही जैसे कोई भी चीज़ आप करते हैं कि आप धीरे धीरे करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, और फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसे मैंने पहले दूध छोड़ा, अंडा छोड़ा, फिर पुराने कपड़े खरीदने शुरू करे, फिर सिगरेट छोड़ी, फिर शराब छोड़ा, मतलब वन स्टेप एट अ टाइम, और प्रैक्टिस करते करते आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर लेते हैं। तो खैर मेरे सफर की शुरुआत इसलिए हुई थी कि मैं खुश नहीं था, खुशी तो मुझे मिली नहीं, पर मुझे जीने का एक मुद्दा मिल गया। और उस मुद्दे के चलते चलते मैं कहूँगा करीबन 2 साल पहले एक ऐसी बड़ी ही डीप सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट मुझे मिल गई, जो मुझे लगता है किसी भी खुशी से बड़ी है, क्योंकि ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता।